हेलो फ्रेंड्स, मैं नाजिया सिद्दीकी योद्धा फाउंडेशन की तरफ से, और मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आ रही हैं, और सबको इंडिविजुअली रिस्पॉन्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा आज एक वीडियो बना दें तो लोगों के जो डिप्रेशन को लेके जो कन्फ्यूजन है वो हम दूर कर सकें, क्योंकि लोग हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज करते हैं और वो नॉर्मल सैडनेस और डिप्रेशन को कोरिलेट करते हैं, और वो और कहीं ना कहीं वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि उनको वाकई में डिप्रेशन है भी या नहीं है। तो आज हम कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या क्या हैं जो हमें ही खुद या फिर हमारे किसी फ्रेंड को या फैमिली मेंबर्स में किसी को है तो हम पता लगा सकें। तो डिप्रेशन का जो पहला और मेन सिम्टम है वो है सैडनेस का। सैडनेस जो हमेशा चले, यानी एक सैडनेस जो 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है, जिसका कोई एक प्रॉपर रीज़न भी नहीं है, और लाइफ के हर हेमिस्फीयर में वो सैडनेस बनी है। क्या होता है, नॉर्मल सैडनेस में अगर कोई एक कुछ ऐसी खुशी की खबर आती है, या फिर कोई आपका फेवरेट टीवी शो आ रहा होता है, या फिर कुछ भी ऐसा काम होता है जो फेवरेट होता है आपका, वो जब हम करते हैं या वो टीवी सीरियल देखते हैं या कोई ऐसी हमें न्यूज़ मिलती है तो वो सैडनेस वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता है। डिप्रेशन के जो सैडनेस है वो कुछ भी हो जाए, भले आपके साथ कुछ भी अच्छा हो जाए, आपको उसमें खुशी महसूस नहीं होगी, आप की जो सैडनेस है वो बनी रहेगी। फिर दूसरा, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाना, जो जो चीजें आप पहले करते थे, जिनको आप इंजॉय करते थे करने करके, उन उन चीजों में आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको सोशलाइज होने में दिक्कत होने लग जाती है, यानी आप अपने फ्रेंड सर्कल में इंजॉय नहीं कर पाते, आप लोगों से बचते हैं, आप लोगों से बात करते वक्त आपको लगता है कि वो जजमेंटल होंगे या आपके बारे में कोई एक ऐसी राय बनाएंगे जो नेगेटिव ही होगी, तो इस तरह ये दिमाग में थॉट आते हैं। इस वजह से लोग जो है सोशलाइज होने में उनको दिक्कत होती है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि एक तरह क्या का फ्रस्ट्रेशन लोगों में रहता है, हताशा किसी चीज़ों को लेके रहती है, लाइफ को लेके रहती है, और इरिटेशन एक रहता है जिसे कहते हैं चिड़चिड़ापन, किसी भी चीज़ में होता है। आप कोई भी काम करें, आपसे कोई भी मिलने आए तो ये चिड़चिड़ापन जो है आपके बिहेवियर में आ जाता है। आपको लोगों से बात करना पसंद नहीं होगा, इसलिए आप ऑब्वियसली जब आप सोशलाइज होने में आपको दिक्कत होगी और आपको लगेगा कि कोई आपसे बात करना चाह रहा है तो ये चिड़चिड़ापन आपके नेचर में आएगा, क्योंकि मुझे बात नहीं करना पसंद लेकिन सामने वाला मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन आपके नेचर में आएगा बात करने के लिए। फिर एक जिसे हम इनडिसिसिवनेस बोल सकते हैं कि दुविधा रहती है लोगों को डिसीजंस लेने में, जैसे अगर मुझे दीवारों का पेंट को ही लेकर के बात करनी हो तो जिसको डिप्रेशन होगा, जो जो डिप्रेशन में रहेगा उसको ये दिक्कत होगी एक सिंपल दीवार के पेंट को ही लेके कि मैं ग्रीन कराऊं या येलो कराऊं, वो आसानी से इसको भी नहीं कर पाएगा, वो हमेशा उसके मन में दुविधा रहेगी कि मैं ये करूं या ये करूं या ये करूं, वो कोई भी डिसीजन बहुत आराम से नहीं ले पाएगा, वो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। गिल्ट की फीलिंग हमेशा रहेगी, कुछ भी आसपास कुछ भी खराब होगा या आपसे रिलेटेड वो बात नहीं भी होगी, लेकिन आपको लगेगा कि अगर किसी की भी लाइफ में खराब हुआ या आपके आसपास के लोग जो हैं उनकी लाइफ में कुछ भी गलत हुआ है तो उसके जिम्मेदार आप हैं, आपकी वजह से सामने वाले की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है, आप खुद को जिम्मेदार करेंगे। दूसरा, वर्थलेसनेस होगी, आपको लगेगा कि मेरा होना बहुत बेकार है, इस तरह की फीलिंग आएगी, आपको लगेगा कि अब तो बस जो है मेरे होने से या नहीं होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
आठवां जो पॉइंट है वो ये है कि जिसको भी डिप्रेशन होगा उसको थकान रहेगी, टायर्डनेस रहेगी, वो हमेशा बहुत ज्यादा लो फील करेगा, थका हुआ फील करेगा, भले उसने कोई भी फिजिकल वर्क ना किया हो, उसके बावजूद उसको लगेगा कि मैं थक गया हूं। जो नाइन्थ पॉइंट है, जैसे हम कह सकते हैं डिस्टर्ब स्लीप, वो नींद है, वो आपको इंस्टॉलमेंट में आएगी। कब फिर सोए फिर खुल गई आंख, फिर सोए फिर खुल गई आंख। आपकी डाइट में भी चेंज आएगा, कईयों को जो है भूख लगना बंद हो जाती है डिप्रेशन में, और कुछ कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि जो नॉर्मल डाइट से ज्यादा लोग खाने लग गए हैं, उनकी डाइट बढ़ गई है, वो बहुत ज्यादा हर वक्त खाने लगे हैं, जिसकी वजह से उनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर नहीं खाता है तो ऑब्वियसली वेट लॉस होने लगता है। तो ये दोनों चीजें, या तो बहुत ज्यादा भूख बढ़ जाती है या तो बहुत ज्यादा भूख कम हो जाती है, दोनों सिम्टम्स जो हैं वो डिप्रेशन के हैं। यानी आपकी नॉर्मल डाइट से बहुत ज्यादा आप खाने लगे हैं तो भी एक सिम्टम हो सकता है डिप्रेशन का, और हो सकता है आपकी नॉर्मल डाइट से आप बहुत ज्यादा कम खाने लगे हैं तो आपका वेट लॉस होने लगा है, ये भी एक डिप्रेशन का सिम्टम हो सकता है। और लास्ट जिसे हम कहेंगे एक्सट्रीम, जो आपका एक सिम्टम है, दैट इज सेल्फ हार्म के थॉट्स आते हैं या सुसाइडल थॉट्स आते हैं, लोगों को लगता है कि अब मेरा जब होना ना होना बेकार है तो मुझे अपनी लाइफ को खत्म करना है। और अब हम बात करेंगे कि डिप्रेशन होता क्यों है, डिप्रेशन का मेन रीजन क्या है। डिप्रेशन का मेन रीजन बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई घटना हुई हो जो आपको अप्रिय लगी हो, आपको उससे बहुत दुख पहुंचा हो, तो वो घटना आपके दिमाग में बैठ गई है जिसके कारण आप डिप्रेशन में, या फिर सामने वाला डिप्रेशन में रहने लगा हो। दूसरा ये हो सकता है कि रीजन बायोलॉजिकल हो, जैसे हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे डोपामिन है, सेरोटोनिन है या नॉरपेनेफ्रिन है, तो ये जो केमिकल्स हैं ये इनका लेवल जो है वो लो होने लग जाता है, जिसके कारण डिप्रेशन होने लगता है। एक डिप्रेशन का रीजन हेरिडिटी भी है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में पहले आपके यहाँ किसी को कोई ऐसी डिप्रेशन रहता हो तो पॉसिबिलिटी है कि जो आगे वाली जनरेशन है उसमें भी डिप्रेशन की शिकायत हो लोगों में। और एक और जो लास्ट रीजन मैं कह सकती हूँ वो ये है कि हार्मोनल चेंज होते हैं आपकी बॉडी में बहुत, और स्पेशली वुमेन्स के बॉडी में हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होते हैं, तो ये भी एक रीजन है डिप्रेशन का। अब हम बात करें कि डिप्रेशन का क्या इलाज है, तो डिप्रेशन ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं किया जा सकता, डिप्रेशन लाइलाज बिल्कुल नहीं है, डिप्रेशन को हम ठीक कर सकते हैं बहुत आसानी से। इसके लिए आप साइकोथेरेपी के सेशंस ले सकते हैं, जिसे हम टॉकिंग थेरेपी कहते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर आपका रीजन डिप्रेशन का या फिर आपके जानने वाले का रीजन साइकोलॉजिकल है तो, यही अगर रीजन बायोलॉजिकल है तो आपको उन रीजंस के लिए मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर बेहतर रिजल्ट्स चाहिए तो साइकोथेरेपी के साथ साथ आप मेडिकेशन भी लें। मुझे लगता है कि आज का वीडियो काफ़ी जो लोगों को डिप्रेशन के लिए कुछ कुछ मिथ्स थे, कुछ कुछ जो लोग नॉर्मल सैडनेस से डिप्रेशन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने उनके लिए एक ये वीडियो बनाया है। होपफुली उनको ये वीडियो देख करके समझ में आए कि डिप्रेशन क्या है, और अगर उनको डिप्रेशन है या उनके किसी जानने वाले को डिप्रेशन है तो वो उसको समझ पाएं और समय रहते बेहतर इलाज करवाएं।